हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 11 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के क्विज की तरफ। आज का जो पहला क्विज आया है वो बेसिकली आया है मणिपुरी संगीतिका के बारे में। तो आपको ये बताना है कि मणिपुरी संगीतिका के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो मणिपुर संगीतिका का पहला स्टेटमेंट यह है कि इसमें डांस और सॉन्ग दोनों को एक साथ परफॉर्म है वो किया जाता है, मतलब सॉन्ग है वो डांस के साथ परफॉर्म वो किया जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मणिपुर संगीतना में कैम्बल का यूज होता है। कैम्बल को देखो झांझ बोलते हैं हिंदी में, झांझ होता है उसका यूज किया जाता है ओनली। देखो यहाँ पे वर्ड का फोकस करना प्लीज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस। और थर्ड स्टेटमेंट ये है कि इट इज परफॉर्म टू नेटिव द लाइफ ऑफ डेट्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, मतलब लॉर्ड कृष्ण भगवान है उनकी लाइफ से बेसिकली रिलेटेड बात यहाँ पे की गई है कि उनकी लाइफ से रिलेटेड ये परफॉर्म हो किया जाता है। देखो मणिपुरी संकीर्तना है, अब आपको मैं बताऊं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें सॉन्ग के साथ डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये श्री कृष्णा की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है, ये भी सही है। बात करें सेकेंड स्टेटमेंट में, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी कि ओनली आ रहा है तो हमें इसके बारे में कन्फर्म पता होना चाहिए। तो देखो ओनली आ रहा तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई अकेला ही झांझ का यूज होता है या नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें अकेले कैम्बल का यूज नहीं होता, झांझ के साथ इसमें ढोल है, डफ है, इनका भी यूज किया जाता है। इसलिए सेकंड को आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है। सेकंड को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो अपना पहला भी गायब हो गया और दूसरा भी गायब हो गया और चौथा भी गायब हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचा सी, वन और थर्ड। तो यहाँ पे वन और थर्ड ही बेसिकली करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट है इंडिया में वो किस ब्रिटिश रूलर के टाइम पे इम्प्लीमेंट है वो किया गया था, मतलब रैयतवाड़ी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। पहला ऑप्शन है कि थॉमस मुनरो, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसके द्वारा तो स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट है वो लाया गया था। तो आपको पता है कि परमानेंट सेटलमेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसका मतलब तीन को हमें हटाना है, तो तीन को हटाओगे तो आपके पास ऑप्शन बचे बहुत सारे कि पहला होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो देखो अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन का पता होना चाहिए और यहाँ पे एक नहीं दोनों का हमें बेसिकली फोकस करना है। तो आपको जैसे हमने पढ़ा है रैयतवाड़ी के बारे में कि थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड है, उन दोनों के द्वारा बेसिकली रैयतवाड़ी को इम्प्लीमेंट किया गया था। कहाँ पे? बेसिकली तमिलनाडु वाले एरिया में और महाराष्ट्र में, तो कुछ एरियाज में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। आप ये बताइए कि जो महलवाड़ी है वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई थी। रैयतवाड़ी तो जैसे मैंने आपको बताया, अब महलवाड़ी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखो जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर जरूर प्रोवाइड करें। अगर आपको आते हैं तो भी आप आंसर दें, नहीं आते हैं तो आप एक बार गूगल सर्च करें या फिर बुक वगैरह के थ्रू देख के आंसर जरूर लिखें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखा है तो गलत है तो उसके बारे में बाकी कमेंट बॉक्स में उसका करेक्ट आंसर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है 1929 का, यानी 1929 का जो फेमस था एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट सेटलमेंट के बारे में। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि 1929 का जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था उसके बारे में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए आया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि औद्योगिक विवादों को रद्द करने के लिए प्रबंधन में एक मनमानी शक्तियों के लिए। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किया गया। और चौथा यह है कि ट्रिब्यूनल की एक प्रणाली और हड़ताल पर प्रतिबंध। तो अब आप एक बार सोच के देखिए कि ट्रेड सेटलमेंट एक्ट है वो आया क्यों था, आप देखिए एक बार। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। अगर आप इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली आंसर है तो आप बताइए, नहीं आता है तो आप एक बार सर्च करके बुक वगैरह से आप बताइए, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे मिलेगी। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, यूपीएससी तरीके से क्वेश्चन जो हर साल पूछती रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कौन सी चीजों का एक्सपोर्ट करती थी या निर्यात है वो करती थी। मतलब सीधी सी बात यह कि अंग्रेज जब इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में तो वो किस चीज का एक्सपोर्ट है वो कर रहे थे निर्यात। तो देखो एक फेमस चीज हमें पता है कि कपास है वो इंडिया से जाती थी। तो हमें पहले तो देखते हैं कि कपास ऑप्शन है या क्या यहाँ पे। तो देखो कपास का ऑप्शन हमारे पास सी में आता है और बेसिकली यहाँ पे सी ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इंडिया कपास, रेशम और इसके साथ नमक और अफीम। अफीम तो आपको पता है कि इंडिया में काफी प्रोड्यूस होती है, तो अफीम को बेसिकली बंगाल के थ्रू यूरोप में एक्सपोर्ट है वो किया जाता था। नमक हुआ, इसके साथ रेशम हुआ और कपास, तो ये हमें फैक्ट है वो पता होना चाहिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था? पहला है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का शामिल होना। दूसरा है ये वृक्षारोपण का मतलब यहाँ पे प्लांटेशन है। देखो प्लांटेशन का मतलब क्या होगा कि चाय वाले बाग, कि चाय वाली जो बागानी फसलें, आप एक तरीके से समझ सकते हो कि बागानी फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में कमी की। और तीसरा स्टेटमेंट यह कि जनजातीय की सक्रियता भागीदारी, मतलब जो हमारे देश की अदर जाति थी, कास्ट थी, उन्होंने सब में सक्रिय रूप में इसमें भागीदारी है वो निभाई। और तीसरा चौथा स्टेटमेंट यह है कि सभी वकीलों और महिलाओं की भागीदारी। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है, बेसिकली है तो सारे के सारे सही, बट यहाँ पे पूछा कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, मतलब इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था वो हमें बताना है। तो देखो बेसिकली हमें बताया कि चंपारण सत्याग्रह था वो बेसिकली जो नील की फसल थी इसके अगेंस्ट किया गया था कि भाई उनसे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो वो कॉमर्शियल फसलों की खेती के में कमी करने के लिए था और जो प्लांटेशन था उनमें। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन सा सहायक गठबंधन पर लागू नहीं होता। सहायक गठबंधन का मतलब यहाँ पे है कि वेले जिले की जो सहायक संधि थी उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो सब्सिडरी अलायंस, एक तरीके से आपको बताऊं इंग्लिश में कि सब्सिडरी अलायंस है वो किस पे, मतलब सब्सिडरी अलायंस पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। इसने पूछा कि नहीं वाला स्टेटमेंट पूछा है, मतलब जो गलत है वो हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो हमारे देश के खर्चे पर, या आप बोल सकते हो कि जो भी राज्य था उसके खर्चे पर बड़ी स्थायी सेना बनाने की बात, तो ये तो बिल्कुल सही था। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सरो पर स्थापित करने के लिए, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि नेपोलियन खतरे से भारत को सुनिश्चित करने के लिए, ये भी सही था। बात करें थर्ड स्टेटमेंट की तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का सहायक संधि के थ्रू ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो भारत से इनकम को सुनिश्चित कर सकें। सहायक संधि से तो केवल वो ये चाहते थे कि भाई बाहर से आक्रमण ना हो और ये सब हमारे अंडर ही काम हो करने लग जाए। तो इसका सी ऑप्शन है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्थानकवासी संप्रदाय के बारे में, कि स्थानकवासी संप्रदाय है वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है। जैन, बौद्ध, वैष्णव, वैश्यवाद। तो देखो बेसिकली स्थानकवासी है वो हम बताएं तो जैन धर्म के संप्रदाय से बिलोंग है वो करता है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इनमें से चूज करना है कि किसके द्वारा मेजनी, गेरीवाल्टी, इसके साथ ही श्रीकृष्ण है ये बुक्स हैं वो लिखी गई थी, और इसी के साथ वो अमेरिका में रहे थे और अमेरिका के अंदर वो सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए थे। तो आपको बताना कि कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने ये सब काम है वो किए। तो देखो पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है विपिन चंद्र पाल, तीसरा लाला लाजपत राय और चौथा है बेसिकली यहाँ पे अरविंद घोष की बात की जा रही है। तो हमें पता है कि लाला लाजपत राय थे, उनके द्वारा मेजिनी, गेरीबाल्टी और श्रीकृष्ण है वो लिखे गए थे और इसी के साथ ही अमेरिका में वो रहे थे और उन्हें अमेरिका की जनरल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के बारे में, क्वेश्चन ये है कि अशोक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब गलत स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करना है। पहला है अशोक ने अपने 99 ब्रदरों, मतलब अपने 99 भाइयों को भड़काऊ संघर्ष में मार डाला, मतलब अपने जो उसके भाई थे 99 भाई उसको अशोक ने मार डाला था किसी संघर्ष के दौरान। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि धमा घोष ने अपनी नीति बदलकर भेरी भेस में बदल दी। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि कलिंग के युद्ध के बाद चरम शांतिवादी बन गया था। चौथा स्टेटमेंट यह है कि अशोक शिक्षाओं का उद्देश्य मौजूद सामाजिक आदेश और सहिष्णुता को बनाए रखना था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट हम बात करेंगे अभी इसकी, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि अशोक ने तो धमा घोष की नीति उसको धमा घोष में रखा था, चेंज नहीं किया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन न्याय वो यहाँ पे बी इसका आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई वो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बारे में, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला है कि दक्षिण भारतीय भक्ति संत बौद्धों और जैन धर्मों की आलोचना करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि कवि संतों ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों के अधिकार का भी विरोध किया। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ए बी या फिर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसने चटगांव आमरी पर हमला किया। जो चटगांव आमरी हमला हुआ था ये आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। तो देखो ये चटगांव आमरी जो अटैक किया गया था ये क्या कहता है, सूर्य सेन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी है वो हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज, आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करके पहुंचाएं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।